कोणाचे नशीब कधी बदलेल हे माहित नाही। अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुरजी येथील एका शाळेत अन्न शिजविणारी एका महिलेने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या बळावर कोण बनेगा करोडपती कार्यक्रमात भाग घेतला होता। कोण बनेगा करोडपतीच्या 11व्या मोसमात मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन बबीता तायडे कोट्यवधी रुपये जिंकून करोडपती ठरल्या आणि कठोर परिश्रमामुळे मी आज या टप्प्यावर पोहोचलो आहे। आधीच माझी वेगळे करण्याची इच्छा होती, संधीच्या शोधात वर्षानुवर्ष ते करत होतो। मैं बबीता सुभाष ताड़े पंचपुला भी हरने विद्यालय में मिड डे मील पकाती हूँ और 1500 मुझे मानधन मिलता है और मैंने अब KBC के लिए ट्राई किया था और उसमें यशस्वी हुई हूँ, तो बहुत बड़ी राशि है और संघर्ष के बाद मिली है। मैडम अभी जो आपके जो पति है उनकी सैलरी और आपकी सैलरी तो पता है दोनों की कितनी है, तो हाँ। तो ऐसा कौन सा सपना था कि जो पूरा नहीं हो रहा था दोनों सैलरी मिला के भी, तो अब पूरा होगा, ऐसा कौन सा सपना है जो अभी पूरा करेंगे आप? हाँ सर, मुझे शिवालय बनाना था और हमारे गांव में जो भी मंदिरों में जो यात्राएँ होती थी ऐसा लग रहा था कि मंदिरों में अपनी राशि जानी चाहिए और मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही थी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी उच्च शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे जो हम नहीं कर पाते थे, जुड़ा नहीं पाते थे, तो वो अब हो जाएगा। उसके बाद अभी जो आपका मतलब आप करोड़पति हो गए बराबर है, लेकिन अभी घर वालों का और गांव में जो कैसा माहौल है आप इसको लेके, मतलब बहुत खुश है सब और जो त्यौहार जैसा वातावरण है, दिवाली जो दशहरा सब एक साथ आ गए हमारे घर गांव में, सब खुश है बच्चों से लेके बड़ों तक और सब सबके चेहरे पे बहुत खुशी है, आनंद है। और मैम सबसे बड़ा जो अकाउंट आपके अकाउंट में सबसे बड़ा आंकड़ा मतलब अभी तक कितना देखे आपने ये छोड़ के? ये छोड़ के तो हर महीने 1500 रुपये जो मानधन का पैसे आते थे वही आते थे। अच्छा, मतलब वही, उससे ज़्यादा नहीं, सबसे बड़ा यही है। हाँ। बराबर। उसके बाद मैडम जो अभी आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो उसमें अभी छोड़ देंगे आप, उसके बारे में थोड़ी डिटेल कैसे? कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है और अब तो मेरी पैसों की अड़चन भी खत्म हुई है, तो मैं तो अब समाज सेवा जैसी मेरे बच्चों की सेवा करूँगी। अच्छा, उसके बाद अभी मतलब सबों ने शुभेच्छा तो दी है आपको बराबर, सब बधाई भी दे रहे हैं आपको, घर वाले भी दे रहे हैं और अमिताभ बच्चन में भी आपसे मिले हैं आप उनसे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि ये कैसा क्या खर्च करना है इसके बारे में बताया कुछ? सोनी TV के जो कंसल्टेंट आती है जी, तो वो बताते हैं क्योंकि राशि बहुत बड़ी है और जिम्मेदारी से खर्ची करना चाहिए जी, तो जब भी राशि घर पे आएगी जो खाते में आएगी जी, तो वो उनके सलाहकार समिति भेजते हैं और अच्छे से मार्गदर्शन करके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे खर्च करो जी। और अभी जो महिला आए हैं जो आपके जैसे मतलब बनना चाहती है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपना हुनर पहचानी है, स्किल पहचानी है, जो अपनी इच्छाएं हैं वो उसे आगे आने दीजिए और जो करना चाहती है उसे अचीव करने के लिए हर कोशिश करें। जगाला मदद करण्यासाठी बबीता ने तिच्या पतीच्या शाळेत खिचडी शिजवायला सुरुवात केली, ज्यामुळे तिला महिन्याचा 1500 रुपये दिले जातात। बबीता तायडे यांना एक मुलगी व एक मुलगा आहे, मुलगी पुण्यात शिकत आहे तर मुलगा अंजनगाव इथे शिकत आहे। बबीताची लक्षाधीश होण्याची कहाणी प्रत्येक हव्यात पसरली। बबीताने सांगितले किती लक्षाधीश झाले तरी ती खिचडी बनविण्याचे काम सोडणार नाही, हे माहिती अंजनगाव सुरजी येथून RNU चे प्रतिनिधी साजिद सौदागर यांनी दिली।